जी नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल महर्षि बालासर वैदिक ट्रस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग के बारे में। पंच महापुरुष योग कुंडली में कैसे बनता है, कौन सा ग्रह पंच महापुरुष योग बनाते हैं, इसी रिगार्डिंग बात करेंगे। पंच महापुरुष योग जो बनता है वो बृहस्पति देव बनाते हैं, शुक्रदेव बनाते हैं, मंगल देव बनाते हैं, बुध देव बनाते हैं और शनिदेव बनाते हैं। ये जो पंच महापुरुष योग जो बनता है, पहले हम बात करेंगे कैसे बनता है पंच महापुरुष योग कुंडली में। जब किसी भी कुंडली में केंद्र भाव में वही पांच ग्रह जब बैठ जाएंगे और उसी राशि में वो ओन साइन में बैठेंगे, मूल त्रिकोण में बैठेंगे और उच्च राशि में बैठेंगे, तो ये पंच महापुरुष योग बन सकता है। तो ये पंच महापुरुष योग बनने से क्या फायदा मिलता है, इसी रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे आज। पहले हम बात करेंगे बृहस्पति देव के बारे में। जब बृहस्पति देव पंच महापुरुष योग बनाते हैं उसको हम हंस महापुरुष योग बोलते हैं। हंस महापुरुष योग किसी भी कुंडली में बन जाता है तो आदमी को बहुत सारे क्षेत्र में सफलता मिलता है, प्रसिद्धि मिलता है, मान सम्मान मिलता है, घर में सुखों का वृद्धि होता है। जो बृहस्पति होता है वो नैसर्गिक भाव में बहुत शुभ माना जाता है बृहस्पति को, और बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है। आदमी पंच महापुरुष योग बनने के कारण से आदमी बहुत ज्ञानी बन जाता है, बहुत बड़ा विद्वान आदमी बन जाता है, प्रोफेसर भी बन सकता है। और पंच महापुरुष योग में बृहस्पति अच्छे होने के कारण से आदमी का संस्कार बहुत ही बढ़िया हो जाता है, बहुत संस्कार बनता है आदमी के अंदर। वो आदमी मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत में हमेशा बढ़ोतरी होता है उनका, उनका परिवार भी बहुत धनाढ्य होता है। और उसके बाद हम बात करेंगे मंगल देव के बारे में। मंगल देव रुचक महापुरुष योग बनाते हैं। रुचक महापुरुष योग मंगल जब केंद्र में बैठेगा और साथ साथ ओम साइन में बैठेगा, स्वराशि में, मुद्रिकोण राशि में, उच्च राशि में, एग्जल्टेड साइन में, तो ये बन जाता है रुचक महापुरुष योग। इसी योग में क्या होता है, रुचक महापुरुष योग में मंगल का जो कारक बल है वो वृद्धि हो जाता है। मंगल सेना, जो लोग पुलिस में काम करते हैं, सेनाध्यक्ष बनते हैं, उसी रिगार्डिंग काम देता है, क्योंकि वो मंगल साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी बना देता है आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर। और मंगल बढ़िया होने से आदमी इंजीनियरिंग भी बन जाता है, टेक्नोक्राफ्ट बन जाता है। मंगल का दशा, महादशा और मंगल दशम भाव को रिलेट करता है, तो आदमी इंजीनियरिंग का कैरियर बहुत बढ़िया से करता है। और पंच महापुरुष योग में मंगल का जो रुचक महापुरुष योग बनता है, उसी योग में आदमी अंदर से बहुत साहसी होता है, पराक्रम उनका बहुत ज्यादा होता है, आदमी बहुत मेहनती करता है। और जो लोग स्पोर्ट्समैन होते हैं, कमांडो होते हैं, वो सारे के सारे लोग का मंगल ही बहुत बढ़िया होता है। और मंगल रुचक महापुरुष योग में बैठ जाएगा तो ये मंगल का जो स्थिति है ये बेहतरीन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्रदेव जो महापुरुष योग बनाते हैं ये ओम साइन में बैठेंगे, मूल त्रिकोण भाव में बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे, तो ये बन जाता है मालव्य महापुरुष योग। मालव्य महापुरुष योग में शुक्र नैसर्गिक भाव में बहुत शुभ ग्रह होते हैं। हमारा बॉडी का जो करंट आता है, हमारा जो जोश होता है, वो सारे के सारे शुक्रदेव देते हैं। हमारा रिश्तेदारी शुक्र के हाथ में है, हमारा फ्रेंडशिप भी शुक्र के हाथ में है, सारे के सारे लग्जरी, जितना हम लग्जरी देखते हैं, ज्वेलरी देखते हैं, ट्रैवल्स देखते हैं, बड़ा बड़ा होटल देखते हैं, कुछ भी लग्जरी के लिए हम लोग यूज करते हैं, सारे के आधिपत्य शुक्र के हाथ में होता है। फिल्म, मीडिया, एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी शुक्रदेव का बहुत बड़ा रोल होता है। जिनकी कुंडली में मालव्य महापुरुष योग बन जाता है वो लोग काफी एनर्जेटिक हो जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, मीडिया इंडस्ट्री में काम करते हैं, काफी लग्जरियस लाइफ मेंटेन करते हैं और सुख सुविधा उन लोग को प्राप्त हो जाता है।
उसके बाद हम बात करेंगे बुध के बारे में। बुध देव जब भी पंच महापुरुष योग बनाते हैं उसको हम बोलते हैं भद्र महापुरुष योग। भद्र महापुरुष योग में बुध देव किसी भी कुंडली में जब केंद्रगत हो जाएंगे और उसी केंद्र राशि जो बन पड़ेगा ये बुध का स्वराशि बनेगा, मूल त्रिकोण राशि बनेगा या तो उच्च राशि बनेगा। तो उसी भाव में जब भद्र महापुरुष योग बनेगा तो उसे आदमी बहुत बड़ा राइटर बन सकता है। उनका कम्युनिकेशन तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, इतना बढ़िया कम्युनिकेशन करता है, सब लोग उनका कम्युनिकेशन से बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं उनके बातें। तो उसके बाद जो बुद्धदेव होते हैं बुद्धि का कारक होते हैं, आदमी काफी इंटेलिजेंट होता हो जाता है। और बुद्ध जो भद्र महापुरुष जो बनाता है इसी में लोग आईएएस आईपीएस भी बन सकते हैं, बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं, बहुत बड़ा राइटर भी बन सकते हैं और किसी भी काम में भी ज्यादा सक्सेसफुल आदमी बन सकता है। बुध अच्छे होने से बुध को सक्सेस का कारक भी कहा जाता है। बिजनेस में हो, नौकरी में हो, किसी भी फील्ड में हो, जब बुध पंच महापुरुष योग बना देगा किसी भी भाव में तो आदमी बहुत सक्सेसफुल होता है, नेम फेम बहुत ही मिलता है आदमी। उनका बोलने का जो तरीका है ये इतना शानदार होता है, उनका बातें सुनना भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। जब शनिदेव पंच महापुरुष योग बनाएंगे उसको हम बोलते हैं सस महापुरुष योग। सस महापुरुष योग में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में स्वगृह में और उनके उच्च राशि में बैठ जाएंगे और उसी भाव केंद्र हो तो ये बन सकता है सस महापुरुष योग। सस महापुरुष योग में शनिदेव जुडिशियल सेक्टर में जो आदमी रहते हैं उनको काफी बेहतर करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। जो लोग वकील बनते हैं, जज बनते हैं, उनका शनिदेव बहुत ही अच्छा है। जो लोग मिनिस्टर बनते हैं, MPML बनते हैं, उन सारे के सारे लोग का शनिदेव बहुत ही बढ़िया है। शनिदेव सस महापुरुष योग में बैठने के कारण आदमी बहुत हाई एम्बिशियस हो जाता है, बहुत ऊंचा ऊंचा स्वप्न भी दिखता है और उनके सारे के सारे जितना भी अंदर में जो भी छुपा हुआ है वो सारे के सारे फुलफिल हो जाता है। और शनिदेव सब कुछ देते हैं। सस महापुरुष योग में शनि इतना बेहतर हो जाता है आदमी के, जब भी शनि का दशा महादशा आएगा आदमी को बहुत सारा लाभ मिलेगा। आज इतना ही, हमारा वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि अगला वीडियो हमारा आपका नोटिफिकेशन में आ जाएगा। नमस्कार।